ओके, अमर अजय बैटरीज सेल और सिप्ला आपका सेल है। देखिए, अमर अजय बैटरीज अभी तो अभी अपने 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये आपका अगर आप देखें थोड़ा बोल्ड कॉल है। और जहाँ तक रही बात सिप्ला की, यस, ये सिंक हो रहा है। और इनफैक्ट मुझे याद है 2-3 दिन पहले आपने सन फार्मा की शॉर्ट कॉल ली थी, वो बहुत ही अच्छी गई थी सचिन, और सारी आई थिंक शॉर्ट की प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता हुआ इस वक्त सिप्ला भी। नीलेश, गुड मॉर्निंग, खैर में स्वागत है आपका, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग विनय जी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ नजर आ रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक फोकस हमें करना चाहिए। तो एक खरीदारी और एक विकल्प का ट्रेड होगा। खरीदारी करने की सलाह होगी ऑटो स्पेस में से महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। बहुत ही शानदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन के आसपास का सपोर्ट लेके ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अपने 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर भी काउंटर निकल चुका है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए एटलीस्ट 1310 से लेकर 1320 तक के लिए। 1270 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, करंटली 1285 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। वहीं जो एक बिकवाली का ट्रेड सामने निकल के आ रहा है वो है हेवल्स में। हेवल्स में लगातार एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे निकल के आई है, एक मेजर नेकलाइन यहाँ पे ब्रीच हुई है, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी उछाल आता है तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड लेना होगा 1190 के स्टॉप लॉस से। फ्यूचर्स में अभी 1170 के आसपास ट्रेड हो रहा है, निचले स्तरों पर 1140 से 1120 तक की डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है, 1190 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, आपके अगर आप देखें स्क्रीन पे, ये एक हेवल पे भी सेल कॉल आती हुई, और हेवल्स कुछ देर पहले ये चार्ट में देख ही रहा था और थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ। एक सेकेंड प्लीज़, इसका कैंडलस्टिक चार्ट की लिखाई है 1159। ओके, 1159 पे इसका मतलब ये है कि आज का लो इनफैक्ट जो करीब 1154 रुपये की ट्रेजेक्टरी रही, ये CY22 कैलेंडर वर्ष 2022 के सेकेंड हाफ का सबसे लोवेस्ट लेवल है। यानी लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये 6 महीने के लोवेस्ट लेवल पे आके ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट एक बार मैं वोल्टास को भी देखना चाहूँगा, एग्जैक्टली वोल्टास क्या कर रहा है वाइट गुड सेगमेंट में। वोल्टास एट 836, कुछ हाल वोल्टास का भी यही है। एक बार जरा प्लीज़ डिक्सन लेके आइएगा, डिक्सन क्या कर रहा है। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे, इट्स 4029। ये भी अगर आप देखें तो शायद यस, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने के लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। लेट्स ब्रिंग वर्लपूल आपकी स्क्रीन पे। वर्लपूल जो वाइट गुड सेगमेंट है उसमें क्या कर रहा है, 1507। ये भी एग्जैक्टली 30 जून 2022 के बाद, यानी करीब 6 महीने के लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। सचिन, आपका वोल्टास पे व्यू क्या है? अभी तक समहाउ ये मैनेज कर रहा है इस बेस को होल्ड करने की, बट क्या वोल्टास भी देर सवेर सिंक कर सकता है इस ट्रेजेक्टरी के नीचे? विंदु जी, यहाँ पर इनफैक्ट अगर डेली चार्ट पे देखे तो एक काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आया था, उसके बाद इसने एक एलिवेटेड बेस बनाया है 830-840 के जोन, 835-840 के जोन में, एंड अभी भी वहां पर इमीडिएट बेसिस पे ब्रेकडाउन के तो संकेत नहीं आ रहे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक रेंज डिफाइन हो रही है 900-880 ऑन द हायर साइड, एंड नीचे मुझे लग रहा है 830 से लेके 840 के आसपास इसके ऑस्किलेशन रह सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज ट्रेजेक्टरी में ऑलरेडी चला गया है काउंटर, तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं है ऑन आईएसएस में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।